वकास ने अपने दोस्त अवैस को शादी की तकरीब से वापसी पर गोली मारी। तीसरे दोस्त समर ने मजाहमत करके अपनी जान बचाई। ये वाकया है हाफिजाबाद का, जहां पर एक दोस्त ने नामालूम वजूहात की बिना पर एक दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। वकास ने अपने दोस्त अवैस को शादी की तकरीब से वापसी पर गोली मारी, जबकि इनके तीसरे साथी दोस्त समर ने मजाहमत करके अपनी जान बचाई। ये वाकया पेश आया है हाफिजाबाद में, जिस पर एक कत्ल कर दिया गया। दोस्त की जानिब से दोस्त को ही कत्ल कर दिया गया। वकास ने अवैस को शादी की तकरीब से वापसी पर गोली मारी, जबकि समर नामी शख्स ने मजाहमत करके अपनी जान बचाई। पुलिस वकुआ पर पहुंच गई और तफ्तीश की जा रही है। ताहम बताया गया है कि कत्ल की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। तीनों दोस्त पिंडी भटिया में शादी की तकरीब में शिरकत कर इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मियां मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मजहर बताएगा, ये फायरिंग का वाकया क्यों पेश आया, कुछ तहकीकात में सामने आ सका है? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया हाफिजाबाद के नवाई इलाके के करीब पेश आया, जहाँ पे मुबीना तौर पर दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली है। शादी की तकरीब पे वापसी पर वकास ने अपने दोस्त अवैस को नामालूम वजूहात पर गोली मार दी, जिससे तीन दोस्त अवैस, वकास और समर शादी की तकरीब में गए हुए थे। वापसी पर सुखे के करीब अपने दोस्त अवैस को नामालूम वजूहात की बिना पर गोली मार दी। मकतूल का कजन समर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसने मजामत करके अपनी जान बचाई। समर ने 15 कारगर्दी पुलिस जयवकूर पर पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है मियां मजहर, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।